जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया। अगर ये नहीं होती तो मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा आपको नहीं मिलता। आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो लेखा जोखा होना पड़ेगा। हमारी सरकार जिन्हें मध्य प्रदेश में चली गई, महाराष्ट्र में चली गई और चली गई कर्नाटक के अंदर, यहाँ जा सकती थी कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी फूट साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने दौसा में अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर इशारों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथ लिया, तो वहीं सीएम गहलोत फिर कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अभी अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा दौरे के दौरान मानेसर घटना को लेकर पायलट पर जमकर निशाना साधा। दौसा के भंडाना में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान कांग्रेस के कई मंत्री और नेता सहित पायलट के समर्थक बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान सचिन पायलट ने मंच से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर जमकर निशाना बोला। जब हमारी मुख्यमंत्री जी थी उनका मैंने विरोध साल के 365 दिन किया, लेकिन कभी मेरे मुंह से कोई छोटी बात या कोई अपशब्द नहीं निकला उनके बारे में। महिलाएं उम्र में बड़ी हैं, लेकिन आज भी मैं कहता हूं, आपने खान आवंटित कर दी, चोरी पकड़ी गई तो कैंसिल कर दी, लेकिन आवंटन तो की थी ना, उसका तो लेखा जोखा होना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि जो जांच हर तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी इशारों में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आड़े हाथ लिया। इस दौरान पायलट जिंदाबाद और गहलोत के विपक्ष में नारे भी सुनाई दिए। जो राजनीति आज देश प्रदेश में है आपके सामने, हमारी जो केंद्र की सरकार है वो बोलती है कि अगर लोगों को कुछ सहायता मिलती है तो आर्थिक दिवालियापन हो जाएगा। गरीबों की मदद करने से केंद्र के लोग बोलते हैं आर्थिक दिवालिया हो जाएगा, और मैं बोलता हूं कि जिन नौजवानों के साथ अगर कहीं धोखा हुआ है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है, उनकी मदद हम करते हैं तो कहते हैं मानसिक दिवालिया हो जाएगा। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इन दिनों महंगाई राहत कैंपों के निरीक्षण के बहाने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश का चुनावी दौरा कर रहे हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानेसर घटना को लेकर सचिन पायलट पर पलटवार किया। वहीं उनके पिता राजेश पायलट को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। ईडी की बजाय सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम पॉलिटिकल बॉसेज जो है बीजेपी के, वो उनको धमका करके भेजते हैं, सब जगह लिस्ट देके भेजते हैं, वो गलत है। अगर वो खुद आए, मान लीजिए ये इतनी अच्छी एजेंसी है देश के लिए, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, ये हमारी प्रीमियर एजेंसी है देश की, मानी हुई एजेंसी है, प्रतिष्ठित एजेंसी है, जो अपना काम ईमानदारी से करे, बेईमानों को पकड़े, जेल भेजे, हमें खुशी होगी, हम स्वागत करेंगे। पर जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ बीजेपी के पॉलिटिकल बॉसेज जो हैं इनको लिस्ट देके भेजते हैं, जाइए इनमें से आप ट्राई करो कहाँ आप घुस सकते हो अंदर। ये जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। ये चुनाव जीतने के लिए आप तंग करो सरकारों को, उनके मिलने वालों को, बेचारे बेकसूर लोग मारे जाते हैं कई बार, तो एक बार और 6 जगह छापे डाल देते हैं। जब हमारे यहाँ क्राइसिस आया था पॉलिटिकल, एक साल में छापे डाल दिए, जिन होटल में हम लोग रुके हुए थे वहाँ छापा नीचे पड़ रहा था। ये जो तरीका है ये तरीका मैं समझता हूँ उचित नहीं है,
और वक्त आ गया इनको खुद को मना कर देना चाहिए एजेंसियों को, हम गलत किसी के लिए घर में नहीं घुसेंगे गलत तरीके से। जो मांगेगी मैं इसको कभी मना कर नहीं सकता, क्योंकि अगर ये नहीं होती, ये आदिवासी महिला है, अगर ये नहीं होती तो मैं आज यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा आपको नहीं मिलता। इस महिला ने जो है हमारी उस पर बहुत इमदाद करी। हमारी सरकार जैसे मध्य प्रदेश में चली गई, महाराष्ट्र में चली गई और चली गई कन्नड़ के अंदर, यहाँ जा सकती थी। इस महिला ने बहुत हिम्मत का काम किया, एक नया पैसा स्वीकार नहीं किया। इसके बाद तो लोग पैसा लेके आ गए, वहाँ सौ तक आ गए, पैसा लेके आगे डिक्की में रखा हुआ पैसा, बता दे तू ले ये पैसा। इसने कहा मैं एक नए पर हाथ नहीं लगाऊंगी, जाइए साहब। इतना बड़ा बहादुरी का काम इसने किया, मैं कैसे बोल सकता हूँ बताइए इसको। ताली जोरदार बजाओ, सब ताली बजाओ। महिलाओं को और तेज ताली बजाइए, महिला है वो, रमीला महिला है, ताली बजाइए जोरदार, बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने कहा कि ये खेड़ा धरती ये नवीन पंचायत समिति मांग कर रही है। भलाई कांग्रेस के आलाकमान प्रदेश कांग्रेस के अंतर्कलह नहीं होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पायलट का दोसा में इशारों में सीएम गहलोत पर निशाना तो मुख्यमंत्री गहलोत का डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मानेसर घटना के जख्मों को ताजा कर दिया है। इससे कांग्रेस में एक बार फिर फूट देखने को मिली है। अब तो विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद ही पता चलेगा कि जीत किसकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।